कंसंट्रेटेड इतनी मरी मरी आवाज में क्यों बोल रहे हो, सब ठीक है? थोड़ा तो कॉन्फिडेंस लेके आओ बोलते वक्त। हाँ गाइस, स्क्रीन दिख रही है, यस आवाज क्लियर यस सर। है, ग्रेट। ओके, हम लोगों ने क्या किया था, क्रिटिकल फिनोमेना स्टडी कर रहे थे, और हमने एक चीज देखी थी कि अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर हो या उससे नीचे हो तो तुम्हारा लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस पॉसिबल है, राइट? यस सर। ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, हम लोगों ने एंड्रू थॉमस कर्व किया था, और एंड्रू थॉमस कर्व ने क्या कहा कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हो तो लिक्विफैक्शन स्टार्ट होता है, राइट? हम लोगों को व्हाट वी हैव टू डू हियर राइट नाउ इज देयर आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रियल गैस व्हिच वी हैव टू डिस्कस टुडे, ठीक है? तो रियल गैस के अंदर नाउ क्रिटिकल फिनोमेना कर रहे थे हम लोग। ओके, नाउ टेल मी एवरीवन, इस क्रिटिकल फिनोमेना में क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या था? 8A/27D हाँ, आर बी, रेडिसन आर बी सॉरी पीसी क्या था? A/27B² A/27B² और वीसी कितना था? क्रिटिकल 3B वॉल्यूम 3B। अच्छा, बी क्या होता है? शैल आई से इट इज इक्वल टू 4 इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, राइट? 4/3 πr³। तो ये जो यस सर। चीज है वो मॉलिक्यूल 1 मोल का वॉल्यूम हो गया, राइट, इनटू 4। तो अगर वीसी की बात करूं तो वो हो जाएगा तुम्हारा 12 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यस सर। राइट? अच्छा, और दूसरी चीज, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, द डेंसिटी ऑफ गैस लिक्विड गैस इज इक्वल टू लिक्विड वॉल्यूम। इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और उसके अलावा क्या होता है? नो बाउंड्री बिटवीन गैस एंड लिक्विड। हाँ, बस चाहिए, इतना समझ में आ गया तुमको तो काफी है। यार एक बात बताओ, मुझे ना ये डिराइव करना है, ठीक है? आई वांट टू डिराइव क्रिटिकल फिनोमेना। तो मैं कह सकता हूं ना, एट क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बिकम इक्वल टू क्रिटिकल वॉल्यूम, राइट? एंड लेट्स से फॉर 1 मोल ऑफ गैस, एनी डाउट इन दैट? कुछ डाउट है इसके अंदर? नो सर। यार एक काम करते हैं, हम लोग ना एक रियल गैस देखते हैं, वैंडर वॉल अंकल का जो इक्वेशन है। तो वैंडर वॉल ने क्या बोला, पी प्लस A/V² इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, एग्रीड? एग्रीड? यस सर। यस सर। जस्ट मल्टीप्लाई करना जरा क्या आता है मेरे पास। एक काम करते हैं, पी वी प्लस A/V। आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। हाँ बेटा, सर हाँ बेटा सर मुझे रियल गैस के इक्वेशन में डाउट था बोल बेटा। सर। वो पी प्लस Na/V² क्यों लेते हैं सर? क्योंकि सर पीछे के पुल के वजह से प्रेशर कम हो जाता है ना, हाँ, तो सर वो कम होने की वजह से फिर उसको प्लस क्यों करते हैं? इसमें आइडियल लिया ना, तो अरे बेटा, इसमें आइडियल लिया है ना, जो रियल प्रेशर है वो कम होता है ना, अगर उसकी जगह आइडियल प्रेशर लिखा जाए तो ऐड करना पड़ेगा ना जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड है, ये तो प्रेशर ऑब्जर्व्ड है, राइट?
जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड है तुमने ही बोला कि वो कम होगा, राइट? ओके तो सर, अगर मेरे को उसको आइडियल प्रेशर बनाया तो वो जो कम हुआ उसको ऐड करूंगा ना, यस सर. राइट? हाँ, तो मेरे पास आ जाएगा माइंड व्हाट इज दैट माइनस एन स्क्वायर ए माइनस ए बी वी स्क्वायर. एनी डाउट? हाँ सर, इज इक्वल टू आर टी. बात समझ में आई? यस सर. हाँ, अभी काम करते हैं, इसको वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, बिकॉज वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में ना. तो मेरे पास आ जाएगा पी वी स्क्वायर प्लस, सॉरी, पी वी क्यू प्लस ए वी माइनस पी बी वी स्क्वायर माइनस आर टी वी स्क्वायर माइनस ए बी. कोई डाउट इसके अंदर? इसको मैं इधर ले आया जब वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को. कोई डाउट इसके अंदर? नो सर. अरे बड़े समझदार हो. यह एक बात बताओ, पी से डिवाइड कर दिया जाए पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास वी क्यू प्लस ए बाय पी वी आया माइनस बी वी स्क्वायर प्लस आर टी बाय पी आया इंटू वी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो. कोई डाउट इसके अंदर? तो मैंने कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन को ओपन कर दिया. ओपन करने के बाद मैंने इस इक्वेशन को इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिख दिया, बस रीअरेंज किया. कोई डाउट इस रीअरेंजमेंट में? कोई एम टर्म मिस कर रहे हो? पर आपने वी स्क्वायर वी स्क्वायर बी वी स्क्वायर अंदर लिया सर, वी स्क्वायर को क्या किया आपने? वो वी स्क्वायर को सर हाँ अंदर ले लिया, वो गलत कर दिया, राइट? उसकी जगह क्या आना चाहिए था? बी आना चाहिए था, राइट? यस सर. हाँ, अच्छी बात है, इससे पता लगा तुम अटेंटिव हो. आगे चलें? यस यस. ग्रेट. नाउ लिसन, ये जो इक्वेशन है जो वैंडरवॉल ने बताया, क्यूबिक इक्वेशन है ना? यस सर. अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो एक बार बताओ, इस इक्वेशन में जो वॉल्यूम निकलेगा एट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी सी और प्रेशर इज इक्वल टू पी सी, ये जो तुम्हारा वॉल्यूम निकलेगा वो वी सी के इक्वल ही होगा, राइट? यस सर. और एक बात बताओ, इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही रूट आएगा वॉल्यूम का, बिकॉज ये रियल गैस है. बिकॉज अगर टेम्परेचर टी सी है, प्रेशर पी सी है, नंबर ऑफ मूल्स वन है, तो सारी चीजों को मिला के ए बी एक पर्टिकुलर वैल्यू को मिला के जो वॉल्यूम का वैल्यू आएगा वो एक ही आएगा ना. तो अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है वॉल्यूम के हिसाब से, तो इस पूरी क्यूबिक इक्वेशन का जो वॉल्यूम का रूट निकलेगा वो एक ही निकलेगा ना. एक काम करते हैं, मगर मुझे पता है कि वॉल्यूम का रूट एक ही निकलने वाला है क्रिटिकल कंडीशन में, तो मुझे पता है वी क्यू प्लस ए बाय पी सी वी माइनस बी प्लस आर टी सी बाय पी सी इंटू वी स्क्वायर माइनस ए बी विल बी इक्वल टू जीरो. बिकॉज अब इस कंडीशन में इस इक्वेशन का जो वॉल्यूम निकलेगा वो वी सी निकलेगा. यस सर. हाँ, और अगर ये वी सी निकल रहा है तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं वी माइनस वी सी इज इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ इस पूरी इक्वेशन. yes. तो अगर मैं क्यूब करोगे करूंगा तो मेरे पास सेम ही इक्वेशन आएगी, बिकॉज इसके अंदर भी वॉल्यूम का रूट आएगा वी सी, इसके अंदर भी वॉल्यूम का रूट आएगा वी सी. तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फर्क है क्या? नो सर. वेरी गुड. तो एक बार बताओ, जब मैंने इसको इक्वेट किया वी क्यूब लेके आया प्लस थ्री वी वी सी स्क्वायर, सॉरी थ्री वी सी वी स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वी सी वी स्क्वायर माइनस वी सी क्यूब इज इक्वल टू जीरो. इसका एक्सपेंशन ही आएगा, बिकॉज तुम्हें पता है
a माइनस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता है? a क्यूब प्लस बी माइनस बी क्यूब ए बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर बी बी माइनस बी क्यूब, यही होता है ना? तो इसको खोल के ये लिख दिया, कोई डाउट? हाँ मेरे लाल पीलो हरे नीलो, कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। अच्छा, अगर कोई डाउट नहीं है तो मतलब सारी चीजें सेम है इसमें, राइट? अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, राइट? कंपेयर कर सकते हो? यस यस सर। इसके अंदर v का जो कोएफिशिएंट है सर वो दोनों का सेम रहेगा। हाँ, तो मैं लिख सकता हूँ a by pc is equal to 3vc square। यस सर। वेरी गुड। इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ, ये पहला इक्वेशन लिख लो, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारा b plus rtc by pc will be equal to 3vc, कोई डाउट? और तुम्हारा वी सी क्यूब जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा अगर कंपेयर करोगे तो? ए बी। ये तीसरा इक्वेशन, कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है? सर आप डेरिवेशन बता रहे हैं क्या? हाँ बेटा, डेरिवेशन तो बताना ही पड़ेगा ना इसमें। हाँ सर। pb माइनस pb by p होना चाहिए ना? क्या कह रहे हो सर? आपने उसमें पूरी इक्वेशन को p से डिवाइड किया, वहाँ ab by p आना चाहिए ना? एक मिनट, ab by p आना चाहिए। यस सर। हाँ सर। हाँ यार मैं कुछ थर्ड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में भी नीचे आएगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थर्ड इक्वेशन में ए बी बाई पी सी आ जाएगा, राइट? डन। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसको और इसको कंपेयर करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, थ्री डिवाइड बाय वन कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा? वी सी बाय थ्री इज इक्वल टू बी, कोई डाउट? ए बाय बी सी कट गया, बी सी से बी सी गया, तीन बच गया नीचे, ये आ जाएगा, करेक्ट? तो मैं कह सकता हूँ वी सी इज इक्वल टू थ्री बी। यस सर। अच्छा अब एक काम करो, अगर वी सी इज इक्वल टू थ्री बी आ गया तो पी सी कितना आ जाएगा? थर्ड से देख लो, फ्रॉम थर्ड मेरे पास बी सी आ गया, पी सी आ गया, बचा क्या? टी सी। टी सी, टी सी यहाँ पर है। मैं क्या कर रहा हूँ, वी सी की वैल्यू डाल रहा हूँ इधर, ठीक है? VC की वैल्यू डाल रहा हूं तो मेरे पास आ जाएगा आर टी सी फ्रॉम टू आर टी सी बाय पी सी इज इक्वल टू थ्री वी सी, कितने की इक्वल हो जाएगा? नाइन बी माइनस बी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एट बी, करेक्ट? हाँ सर। सर आप उस बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी इज इक्वल टू माइनस थ्री वी सी नहीं लोगे? क्या क्या क्या? हेलो हेलो हेलो। हाँ सुन रहा हूँ बेटा। हाँ वो जो b is equal to rt b plus rtc upon bc वो minus 3vc क्यों नहीं लिया आपने? हाँ minus 3vc दोनों का साइन सेम था बाहर, दोनों नेगेटिव। हाँ नेगेटिव है बाहर, दोनों का सेम है। सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके, टेक अ डीप ब्रेथ। नाउ लिसन, tc क्या आ जाएगा मेरे पास? 8b, ये pc की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी a by 27 b square और नीचे एक r आ जाएगा, राइट? b से b गया,
बचा क्या, 8a/27 आरबी। समझ में आया डेरिवेशन कैसे हुआ इसका? यस सर। यस ग्रेट। सर और एक था ना वो टीबी सर। हाँ सर वो ए बाय आर बी भी एक आपने बताया था। हाँ वो कौन सा था सर? बॉइल पॉइंट। बॉइलिंग नहीं रहे, वो बॉयल्स टेंपरेचर। बॉयलर। हाँ सर। हाँ सर एक छोटा सा डाउट है। सर हमने ऐसे अज्यूम जो वो एक ही रूट आएगा जो हमारा वीसी आएगा वो सारा समझा, बट सर ऐसा भी तो हो सकता था कि ओरिजिनल इक्वेशन में हमें वीसी आता और बाकी दो जो है वो जैसे अनरियल या ऐसे रूट्स आते जिन्हें हम इग्नोर कर देते। जैसे आपने जो सेकंड वाली इक्वेशन ली उसमें हमने यही अज्यूम किया ना कि तीनों रूट्स जो है वो वीसी आ रहे हैं। हाँ वो तीनों रूट वीसी आएंगे ना, बिकॉज अगर रियल फिनोमेना है तो एक ही वॉल्यूम का वैल्यू आएगा ना। हाँ सर बट ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब एक वीसी आए और दो जो वो इमेजिनरी रूट है हम इग्नोर कर दें। रियल फिनोमेना डिस्क्राइब करती है राइट, अगर कोई भी एक रियल इवेंट होता है तो वो जो रियल इवेंट पर्टेनिंग टू पर्टिकुलर कंडीशन होगा तो उसका वैल्यू तो एक ही आएगा ना। याद करो अभी हमने लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था सर। यस सर क्वेश्चन में ना मैंने ग्राफ प्लॉट किया था लेकिन उसके रियल वैल्यूज आ रहे थे अलग अलग। रियल वैल्यूज आ रहे थे अलग अलग मतलब? सर मतलब आपने वॉल्यूम लिया था ना, वॉल्यूम को एज एन वेरिएबल लिया था सर, उसमें दो वेरिएबल्स थे प्रेशर और वॉल्यूम लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था। हाँ। तो दोनों के बहुत सारे अलग कॉम्बिनेशन आए थे, प्रेशर कुछ है वॉल्यूम कुछ। अच्छा एक ए वैल्यू पे एक बी वैल्यू पे एक टी वैल्यू पे एक एन वैल्यू पे सबके अलग अलग कैसे आएंगे कॉम्बिनेशन? हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें ऐसा आया था सर। एक्चुअली मुझे भी उस टाइम पर यही डाउट था जो अभी वो कह रहा है कि उसमें जो उसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चीजें नहीं दी हुई थी तो अलग अलग कॉम्बिनेशन से आ सकता है ना। पर्टिकुलर प्रेशर निकालना था एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे राइट? नो सर उसमें ना तो प्रेशर ढूंढना था वॉल्यूम था सर, प्रेशर ढूंढना था उसमें। हाँ प्रेशर ढूंढना था पर वॉल्यूम भी वेरिएबल था पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया, तो वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आदित्य का क्वेश्चन शायद ऐसा है कि हमने लास्ट टाइम दो मतलब लास्ट टाइम भी एक इक्वेशन ऐसे ही बनी थी। हेलो हाँ हाँ, तो उसमें हमने इमेजिनरी वैल्यूज कंसीडर नहीं किए जब क्योंकि वो रियल फिनोमेनन था तो हमने रियल रूट्स कंसीडर किए। वॉल्यूम का एक ही वैल्यू आएगा एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर और वो पर्टिकुलर प्रेशर निकालना था हमको। तो प्रेशर फिक्स था जिसको निकालना था ना। हाँ हाँ हाँ, तो अगर सब कुछ फिक्स है तो वॉल्यूम का तो एक ही वैल्यू आना चाहिए ना अगर रियल फिनोमेना है तो। यस हाँ, तो दिक्कत क्या है उसमें? सर उसमें एक जन कह रहा था ना अभी उसका वही डाउट था कि उसने पता नहीं कह रहा था कि ग्राफ प्लॉट किया था तो उसमें अलग अलग वैल्यूज प्रेशर के अलग अलग वॉल्यूम आ रही है। वन सेकेंड, ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक इंडिविजुअल प्रेशर निकालना, तो एक इंडिविजुअल प्रेशर में एक ही वॉल्यूम निकलेगा ना उस ग्राफ के अंदर भी। यस सर। हाँ तो नहीं सर मतलब x और y में जैसे इक्वेशन बनते हैं ना दो वेरिएबल, अगर डिफरेंट क्वेश्चन लोगे डिफरेंट वॉल्यूम आएगा, अगर एक प्रेशर निकालना एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में वो तो फिक्स ही होगा ना बेटा। सर पर वो प्रेशर हमको मालूम ही नहीं है ना। अरे वो फिक्स प्रेशर निकालना है अपने को, उसमें इक्वेशन में क्या बोला होगा वो प्रेशर पर्टिकुलर प्रेशर निकालना तो प्रेशर फिक्स हो गया ना। यस सर। सर हाँ सर आप ये डेरिवेशन एक बार वापस समझा सकते हो, स्टार्ट से मेरे को समझ नहीं आया। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीधा बोला कि अगर मैंने रियल गैस का इक्वेशन उठाया वैंडरवाल अंकल ने जो दिया था ठीक है। यस सर। अब उस इक्वेशन में क्या हुआ कि अगर मैंने मल्टीप्लाई करके फाइनल इक्वेशन लिखी तो मेरे पास ये सब आ गया, रीअरेंज करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आई जो कि वॉल्यूम का क्यूबिक इक्वेशन है राइट। यस सर।
अगर ये वॉल्यूम का क्यूबिक इक्वेशन है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू वॉल्यूम का आना चाहिए वो एक ही वैल्यू होना चाहिए, बिकॉज़ ये रियल फिनोमेना को डिस्क्राइब कर रहा है। सर आप वापस बता सकते हो, मेरे को समझ नहीं आया कि ये जो क्यूबिक वॉल्यूम वाली इक्वेशन आई, जो वैन डर वाल इक्वेशन को एडजस्ट करके आई, ये जो वैन डर वाल इक्वेशन का जो वॉल्यूम का जो वैल्यू होगा वो एक पर्टिकुलर रियल फिनोमेना में एक ही वैल्यू होगा, राइट? अगर मैं क्रिटिकल फिनोमेना की बात करूँ तो वॉल्यूम वी सी ही होगा। यस सर। अब क्रिटिकल फिनोमेना के अंदर ये पी सी हो जाएगा, ये टी सी हो जाएगा, ये पी सी हो जाएगा, ये पी सी हो जाएगा, राइट? यस सर। अब ये जो इक्वेशन में जो वॉल्यूम का जो वैल्यू मिलेगा वो वी सी मिलेगा। यस सर। तो मैंने क्या किया, अगर वॉल्यूम का रूट वी सी मिल रहा है तो मैंने इसकी क्यूबिक इक्वेशन निकाल ली, वी माइनस वी सी इक्वल टू थ्री करके, रेज़ टू पावर थ्री करके। जो ये नई इक्वेशन निकली और जो ये पुरानी इक्वेशन है दोनों सेम है, बिकॉज दोनों के रूट सेम है। यस सर। तो मैंने क्या किया, कंपेयर किया ए बाय पी सी इक्वल टू थ्री वी सी स्क्वायर, बी आर प्लस आर टी सी बाय पी सी इक्वल टू थ्री वी सी, और ए बी बाय पी सी इक्वल टू वी सी क्यूब। ओके सर। अगर ऐसा कंपैरिजन करके यहाँ तक आए हम लोग, उसके बाद जब वैल्यूज कैलकुलेट करी, इसको इससे डिवाइड किया तो वी सी इक्वल टू थ्री भी आ गया, वी सी को इधर पुट किया तो पी सी आ गया। यस सर। बी पी सी को इधर पुट किया, वी सी को इधर पुट किया, मेरे पास टी सी आ गया। तो मैंने जो वैल्यूज तुमको पहले बताई थी वी सी की थ्री बी और टी पी सी की ए बाय 27 बी स्क्वायर और टी सी 8 ए बाय आर बी, तो सारी वैल्यूज एग्जैक्टली वही आ रही है ना। यस सर। And that is given by Van der Waal and curve. Understood Van der Waal equation? Yes, sir. गाइज लिख लिया ये, स्क्रॉल करूं अब? शैल आई स्क्रॉल इट अप? सर डन। डन गाइज लिख लिया सबने? यस सर। ग्रेट, आगे चलें। ओके, नाउ वी कम टू नो अबाउट द क्रिटिकल फिनोमेना एस्पेक्ट, ठीक है? नाउ अब क्या करते हैं, एक रियल गैस की इक्वेशन और थी, जैसे वैन डर वाल ने दी थी ना, वैसे ही एक और बंदा था जिसने रियल इक्वेशन दी थी, कौन सी, क्या बोलते हैं इसको? क्या है सर? वेरियल इक्वेशन। अच्छा, वेरियल। हाँ, वेरियल इक्वेशन। अब उसने क्या किया, उसने बोला कि यार मेरे पास P by V is equal to nRT, मतलब Z जो है it is equal to 1 plus A by V plus B by V square plus C by V cube plus D by V 4 प्लस ई बाय वी फाइव सो ऑन करके इक्वेशन है, गेटिंग इट? ये एक विरियल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो अपने को उसने विरियल ने प्रोवाइड करवाई, गेटिंग अ पॉइंट? ये कह रहा था कि ए बी सी डी ई ये सारी करेक्शन टर्म्स हैं, क्या है ये करेक्शन टर्म्स? हाँ, मतलब जितना भी डेविएशन हो रहा है वन से वो सारी करेक्शन टर्म्स ही है, गेटिंग इट? अब yes. इसको बोला जाता है फर्स्ट विरियल कोफिशिएंट। सर। हाँ बेटा। सर आप ये पार्ट वापस रिपीट कर सकते हो? हाँ सर, कर सेकंड विरियल कोफिशिएंट बी को बोला जाता है थर्ड विरियल कोफिशिएंट, फोर्थ विरियल कोफिशिएंट, सो ऑन, गेटिंग इट? हाँ, मैंने बोला एक और बंदा था विरियल जिसने ना आइडियल रियल गैसेस के लिए इक्वेशन फॉर्मुलेट करी थी, वो इक्वेशन ये है जिसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जिसको हम जेड बोलते हैं इज इक्वल टू वन प्लस ए बाय वी बाय प्लस बी बाय वी स्क्वायर प्लस सी बाय वी क्यूब डी बाय वी फोर
ये इसको बोलते हैं सेकेंड वेरियल कोफिशियंट, इसको बोलते हैं थर्ड वेरियल कोफिशियंट, इसको बोलते हैं फोर्थ वेरियल कोफिशियंट, सो ऑन। ये जो है ना ए बी सी डी ई एफ, इनकी जो वैल्यूज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, गेटिंग अ पॉइंट, मतलब बी ए से छोटा होगा, सी बी से छोटा होगा, तो डिक्रीजिंग है। तो ई की वैल्यू जो है इट इज लेसर देन डी, डी की वैल्यू लेसर, वो सबसे बाहर जेड लिखा है ना। हाँ, बिकॉज ये पी वी इक्वल टू एन आर डी जेड ही होता है ना बेटा। पी वी बाय एन आर डी इज जेड। सी की वैल्यू बी से छोटी है, बी की वैल्यू ए से छोटी है, गेटिंग अ पॉइंट गाइस, समझ में आई बात? यस सर, यस। आप समझना इस चीज को कि दिस इज द विरियल कोफिशिएंट। नाउ जनरली ऐसा बोला जाता है सेकेंड विरियल कोफिशिएंट बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन्स के लिए होता है, थर्ड ट्राई मॉलिक्यूलर के लिए होता है, टेट्रा मॉलिक्यूलर, पेंटा मॉलिक्यूलर, सो ऑन, विच इज लाइक वेरी नेग्लिजिबल, गेटिंग इट श्रेयांश? विरियल नहीं है, विरियल है, ठीक है। विरियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो कि रियल गैस को करेक्ट करने के लिए दी थी कि भैया जो भी डेविएशन हो रहा है आइडियल गैस से, तो हम विरियल गैस भी, विरियल इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे वैन डर वाल इक्वेशन करते हैं, ठीक है सर। हाँ सर, वो बायमोलिकुलर कोलिजन क्या बोला था आपने? मैंने कहा ये जो सेकेंड विरियल कोफिशियंट है ना, इट इज डिस्क्राइबिंग बायमोलिकुलर कोलिजन, ठीक है। थर्ड विरियल कोफिशियंट तुम्हारा ट्राई मॉलिक्यूलर कोलिजन बताता है, फोर्थ विरियल कोफिशियंट फोर्थ टेट्रा मॉलिक्यूलर कोलिजन बताता है, सो ऑन। यार एक बात बताओ, जितने भी कोलिजन होती हैं बायमोलिकुलर होती है ना नेचर के अंदर? यस सर, बाकी जो सब कम होती है ना। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने बोला इन सब की वैल्यू जो है ए की बहुत ज्यादा है बी से, बी की वैल्यू सी से ज्यादा है, सी की वैल्यू डी से ज्यादा है, डी की वैल्यू बी से ज्यादा है, अगर ए की वैल्यू को मैं जीरो पुट कर दूं विरियल कोफिशिएंट को, तो बाकी सारी जीरो हो जाएंगी? यस सर। तो मेरा पीवी बाय एनआरटी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? वन हो जाएगा सर। रियल गैस है वो कैसे बिहेव करेगी? आइडियली। तो अगर मैं कह सकता हूँ इफ सेकेंड विरियल कोफिशिएंट is zero, then PV by NRT will be equal to one at that particular temperature, that temperature will be Boyle's temperature, because Boyle's temperature पे तुम्हारा real gas ideal behave करते, I wish they are all positive. How come probability of bimolecular tetramolecular collision can be negative? Possible है क्या Ayush? No, sir. हाँ बस, now understood that point? Yes, sir. तो अगर जब temperature TB होगा तो A की value zero हो जाएगी, PV by NRT will be equal to one, sub zero हो जाएगा इधर, and your real gas behaves? Real gas ideally. Ideally. क्या किया? एक और equation दी थी इसी तरीके लिए। अच्छा एक mole के लिए लिया होगा, अगर N is equal to one mole लोगे, तो क्या हो जाएगा? PV by RT is equal to 1 plus A by V by so on, correct? ये तो तुम्हारा वॉल्यूम के टर्म में दिया था, प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में विरियल इक्वेशन दिया था, एक विरियल इक्वेशन उसने प्रेशर के टर्म्स में भी दिया, इट विल बी लाइक PV by PV is equal to RT plus A dash P plus B dash P square plus C dash P Q, so on, getting it? Same equation है, but हमें पता है कि RT को इधर ले गया, मुझे पता है volume inversely proportional to pressure के, तो pressure आ जाएगा इधर, getting it? Again, this is first virial coefficient, this is second, third. It is in terms of which thing, pressure or volume? Pressure. Sir, pressure. ये equation use करते हैं जो पहली वाली equation है, getting it? अब इस वेरियल इक्वेशन का फायदा क्या? टेल मी वन थिंग, डू यू नो फॉर रियल गैस? सर वो ए बी सी है, वो प्रोबेबिलिटीज है क्या? हाँ तो मैं से बोल दो, वो करेक्शन टर्म्स हैं, क्या बोलोगे? करेक्शन, करेक्शन टर्म्स। नाउ फॉर रियल गैस, मेरी बात सुनो, हमने वैन डर वाल इक्वेशन किया था,
पी प्लस फॉर वन मोल ऑफ गैस के लिए क्या होगा पी प्लस वी बाई इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी एग्रीड यस सर जस्ट टेल मी वन थिंग पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू आर टी बाय वी माइनस बी एग्रीड इसको मैं इधर ले गया कोई दिक्कत नो सर आई एम सो प्राउड ऑफ यू हम एक काम करते हैं पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू मैं वी बाहर निकाल रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा आर टी बाय वी वन माइनस बी बाय वी कोई डाउट नो सर अच्छा मैं ना इस वॉल्यूम को इधर लेके जा रहा हूँ तो आ जाएगा पी वी प्लस ए बाय वी इज इक्वल टू आर टी इंटू वन माइनस बी बाय वी की पावर माइनस वन एनी डाउट नो सर समझ में आया ना माइनस वन कैसे आया ऊपर गया तो हाँ सर आई एम सो प्राउड ऑफ यू एक बार बताओ डिवाइड कर दो आर टी से तो आ जाएगा पी वी बाय आर टी प्लस ए बाय आर टी वी इज इक्वल टू वन माइनस बी बाय वी होल इनवर्स गेटिंग इट अच्छा मेरे लाल पीलो हरे नीलो सुनो एक चीज पता है क्या वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन का एक्सपेंशन क्या होता सर नहीं कराया आज कराएंगे शायद मैं बता रहा हूँ क्यों टेंशन ले रहे हो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर सो ऑन गेटिंग इट इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है अंडरस्टूड वेयर एक्स इज लेस देन वन एक्स की वैल्यू वन से कम होनी चाहिए तभी एक्सपेंशन फॉलो होता है गेटिंग अ पॉइंट और राइट सर आपकी आवाज कट हो गई थी अभी ठीक है अभी आ रही है हाँ. Yes, sir. मैंने कहा ये एक्सपेंशन तब वैलिड होता है जब एक्स की वैल्यू वन से छोटी हो गेटिंग इट नाउ अंडरस्टैंड दैट बी जो है वो वॉल्यूम से तो बहुत छोटा होगा राइट यस सर एक्सपेंशन फॉलो होगा कि नहीं होगा बोल दो होगा होगा सर अच्छा सुनो अभी पीवी बाय आर टी प्लस ए बाय आर टी वी is equal to 1 plus b by v plus b square by v square plus b cube by v cube plus b4 by v4 so on haan ya na yes sir yes ye kaam karte hain pv by rt likhte hain idhar theek hai is equal to 1 ye 1 by v hai to 1 by v common le lete hain to b minus a by rt aa jayega right इंटू वन बाय वी इसको इधर लेके चलेगा कोई दिक्कत सर पहले टर्म्स के साथ ऐसा क्यों क्या कह रहा अरे बेटा वन बाय वी है ना अगर इसको लेके जाओगे वन बाय वी कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर बी माइनस ए बाय आर टी आएगा कि नहीं आएगा हाँ 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 आएगा ना सर ये वन माइनस बी अपॉन वी को एक्सपेंड कैसे किया अरे बताया ना तो सिखाएंगे सिखाएंगे अरे अच्छा यस सर वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड इसका एक्सपेंशन होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर गेटिंग इट यस तो मैंने एक्स की जगह बी बाय वी डाल दिया तो लिख सकते हैं ना ऐसे हाँ सर लिख लिया यस कोई डाउट इसके अंदर बोलो ना ना आप एक बार बताओ सर दो सेकंड इसको रोल अप कर सकते हो क्या हाँ मैं करता हूँ रुको ना एक मिनट इसको ना मैं वेरियल इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ वेरियल इक्वेशन क्या है पीवी बाय आरटी इज इक्वल टू वन प्लस ए बाय वी प्लस बी बाय वी स्क्वायर प्लस सी बाय वी क्यूब प्लस डी बाय वी फोर सो ऑन कोई डाउट मतलब अगर कंपेयर करोगे तो सेकंड वेरियल कोफिशिएंट तुम्हारा ये हो जाएगा थर्ड ये हो जाएगा फोर्थ ये हो जाएगा फिफ्थ ये हो जाएगा कोई डाउट
ओके अब मेरी बात सुनो, ऊपर स्क्रॉल करते हैं, क्या देखना था बताओ? और ऊपर ऊपर है सर, और ऊपर। अच्छा टेप ना है तुमने? सर एक बार स्टार्टिंग से दिखाऊं? हाँ एक काम करते, तुम लिख लेना, मैं स्टार्टिंग से दिखाऊंगा, पहले इतना समझ लो। मैंने क्या किया, वैन डर वाल इक्वेशन को विरियल इक्वेशन में फिट कर दिया। कोई डाउट? ऐसा हो सकता है? हाँ क्यों नहीं हो सकता, दो जने दोनों ने अपनी इक्वेशन बनाई और दोनों इक्वेशन होल्ड कर दिया, तो दोनों सेम रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे? देने तो चाहिए। अच्छा अगर हमने कंपेयर किया तो सेकंड विरियल कोफिशिएंट कितना निकला? एक बात बताओ, when temperature is equal to TB, boys temperature, तो एक बताओ A की वैल्यू क्या हो जाती है, सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट क्या हो जाता है? जीरो। अगर सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट जीरो हो रहा है, B is equal to A upon RT। हाँ बेटा चक्कर क्या है ये, हेलो हेलो सर, सर बॉयल टेम्परेचर किसके इक्वल सर? आप पास पूरी हो गए सर, फॉरवर्ड हो गए सर। चेक 1 2 3। हाँ सर आवाज आ रही है, बीच में सारा कट गया था, एक बार वापस बॉयल्स टेम्परेचर से बोल दीजिए। हाँ मैंने कहा जब टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर होता है तो ए की वैल्यू जीरो होती है ना, पर वो वाला ए कांस्टेंट ना जो अट्रैक्शन, हाँ सेकंड विरियल कोफिशिएंट जीरो। तो सर आरएचएस वाला ए क्या अलग है? आरएचएस वाला ए ही उस अट्रैक्शन वाला है बेटा, ये ए विरियल कोफिशिएंट है और ये सेकंड विरियल कोफिशिएंट है, राइट? यस सर, दोनों अलग अलग है, राइट? Yes, कैपिटल ए लिखा है, तो कैपिटल ए जीरो के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए। होगा हाँ, होना क्या चाहिए, यही तो डेफिनेशन है बॉयल्स टेम्परेचर की, सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट जीरो हो जाता है। यस राइट, इतना समझ में आया? हाँ अंडरस्टैंड दैट, जब सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट जीरो हो गया तो व्हाट आई विल गेट हियर, ए इज इक्वल टू जीरो, बी माइनस ए बाय आर टी बी लिखूंगा, हाँ या ना? हाँ सर। वेरी गुड, तो टीबी कितना आ जाएगा? ए बाय ए अपॉन ए बाय बी आर आर बी, यही हमने किया था, बॉयज टेम्परेचर होता है ए बाय आर बी। हाँ यस सर, आ गया ना? सही है सर, एकदम मस्त है, राइट सर? वो ए टी इज इक्वल टू टीबी होगा तब ए इक्वल टू जीरो होगा, वो अपने मैंने कहा था कि अगर करेक्शन टर्म उसने दिया है तो इसे फर्स्ट वेरिएबल कोएफिशिएंट कहते हैं, सेकंड कहते हैं, थर्ड कहते हैं, राइट? तो अगर ए बी की वैल्यू ए से कम होती है, अगर ए जीरो हो रहा है तो बाकी सारी टर्म नेग्लिजिबल हो जाएंगी, कट जाएंगी सारी। अगर ए तो पीवी बाय आरटी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब रियल गैस बिहेव्स आइडियली होगा। अच्छा हाँ याद है सर, हाँ मेरे लाल याद आएगा, समझ में आया इतना? हाँ सर, थैंक यू। अच्छा आप टेप ना है तो मैं इसको स्क्रॉल अप करता हूँ, ठीक है? हाँ सर, शुरू थोड़ा शुरू से, हाँ यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, नहीं नहीं थोड़ा नीचे। अच्छा थोड़ा नीचे, हाँ सर यहाँ से। चलो टेप टेप आराम से टेप, बता देना कब नीचे जाने, तब तक मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन निकाल के रखता हूँ, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, अक्कल बड़ी की भैंस? डिपेंड सर, क्राइटेरिया बताओ पहले, डिपेंड करता है कैसा क्राइटेरिया बताओ तुमको, साइज में, वॉल्यूम में, या फिर उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, वो सब। थिंकिंग कैपेसिटी में कैसे कोई चीज बड़ी होगी छोटी होगी? सर कोई किसी के पास ज्यादा कनेक्शन बनते होंगे न्यूरॉन में, भाई इतना साइंस नहीं, सॉरी सॉरी तुम्हारा बोल सर, हमें को थोड़ा अच्छा लगा सुनने में, कौन सा न्यूरॉन कनेक्शन की बात चल रही है, बायोलॉजी चल रही है। हाँ अरे थोड़ा नीचे सर, थोड़ा नीचे सर, सर फिर आवाज गई आप? नहीं म्यूट किया मैंने सर। अच्छा हाँ हाँ बेटा बोलो, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, इसको स्क्रीन को सर।
अच्छा सर, अक्कल तो भैंस के पास भी होती है, ये देखो ये थोड़ा अच्छा लगा सुनने में। हाँ बेटा, इल बी लाइक पॉजिटिव, ऑल द कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव। मनोज वन सेकेंड, हाँ लेट मी कम बैक टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, शायद इसके अंदर मिल जाए, अच्छा होगा। विरियल 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 विरियल, सर अब थोड़ा नीचे और। हाँ बेटा करते हैं, 2 मिनट दो, मैं क्वेश्चन देख रहा था। ठीक है ठीक है, देता हूँ तुमको, नीचे करके देता हूँ, इसमें नहीं है। ओके लो थोड़ा सा और नीचे लो। कहाँ थे हम लोग? लास्ट में सर। ये ठीक है या उसे नीचे करना है? नहीं इतना इतना करो, लिखो जरा। ये कैसा पॉसिबल है कि इसके अंदर नहीं है, मतलब होना चाहिए। कोई नहीं, कभी कभार ना अलग अलग तरीकों से काम करना पड़ता है। और नीचे देखना। हाँ सर, हाँ सर, बताओ यार, गूगल क्रोम काम नहीं कर रहा आज। सर एज यूज करो। यस एज अच्छा नहीं है ना? कौन बोला सर? अच्छा है, अच्छा है सर, अच्छा है सर, अच्छा। यस सर, मेरे को तो पावर भी कम लेता है क्रोम से। नहीं सर, वो एक्सप्लोरर उन्होंने खत्म कर दिया ना, इसलिए एज नया बनाया। एज नया बना दिया सर एक्सप्लोरर। क्या खत्म कर दिया? एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बंद कर दिया उसका। ओ हाँ यस सर, तो गलत बात है सर, उसके लिए एज बनाया ना नया अभी। अच्छा देखो लिख लिया ये सर, थोड़ा सा और नीचे। हाँ बेटा ले, सब ले लो सब। यार ये माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन ऐसी है ना, थोड़े टाइम के बाद धोखा दे देती है। क्रोम का माइक्रोसॉफ्ट? हाँ पता है मेरे को, माइक्रोसॉफ्ट बात कर रहे हो। थोड़ा भी हैवी होने के बाद में हिल जाती है, फॉर एग्जांपल एक्सेल देख लो, थोड़ी भी बड़ी फाइल बनाओगे तो मतलब हिल जाएगी। हाँ सर, वो हर सिस्टम में चलाते हैं विंडोज, तो डिपेंड करता है, बहुत हाई फाई कंप्यूटर है तो। हाँ मैक का ज्यादा अच्छा है फिर। पैसा किसके पास है? क्या कह रहा? हो गया सर। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। लिसन एक क्वेश्चन है, there is a particular person who also gave real gas equation, uska naam tha Berthelot. kya tha? Berthelot. Berthelot sir, aap question de rahe ho ya? question de raha hu beta, question. Berthelot ka jo equation tha na, wo ye tha, ek mole ke liye p plus a by t v square
into v minus b, ये बर्थे लॉट ने दिया था, is equal to rt. मार्शलिन बर्थे लॉट. Getting it? सर ये क्वेश्चन है क्या? हाँ हाँ. Now consider बर्थे लॉट इक्वेशन, ठीक है? Calculate boil's temperature for this equation. Sir, इधर T temperature है ना, वो A by T V square. हाँ. तो मैं ना boil's temperature calculate करना है इस equation का, van der Waal की equation का. तो मैं A by R भी निकाल लिया ना, खुश हो ना वेरिएबल के साथ कंपेयर करके. सर इस वाले क्वेश्चन में भी वो वेरिएबल इक्वेशन वैलिड है ना? हाँ वेरिएबल इक्वेशन वैलिड है. तो तुमको इसको यूज करना है, वेरिएबल को यूज करना है, और तुमको ये बताना है कि क्या कहते हैं उसको हिंदी में, कि इसका बॉयज टेम्परेचर क्या होगा अकॉर्डिंग टू बर्थे लॉट. यस सर. सर वेरिएबल्स में ही बताना है या कोई वैल्यू दी है? नहीं नहीं, इन टर्म्स ऑफ ए भी आएगा, वो चेक करके बता. ओके सर. टाइम दे रहा हूं तुम्हारे को 5 मिनट करने की कोशिश करो जल्दी. निकला आंसर आया सर? एक मिनट. सर अंडर रूट ऑफ ए बाय आर बी. अच्छा मैं तुमको वो गैसीय स्टेट का फाइल भेज दिया था ना, पीडीएफ फाइल जो था. कौन सा? अरे बेटा लास्ट टाइम जिससे क्वेश्चंस करवाए थे मैंने कहा था मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर. अच्छा प्रैक्टिस सेशन रिवीजन लेक्चर. हाँ लेक्चर में तुमको कुछ प्रॉब्लम्स करवाए थे राइट?
यस मैंने कहा वो मटेरियल मैं तुमको भेज दूंगा राइट यस तुमको भेज दिया ना वो यस सर भेजा है या कृषिता बहुत बढ़िया प्रणव अच्छा नहीं है क्या अच्छा नहीं है प्रणव क्या अच्छा नहीं है बेटा एज ओके करो 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 सॉल्व करो या दिव्यांश करेक्ट तो जब बॉयल्स टेम्परेचर होता है तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि थर्ड और फोर्थ बाकी सब वेरियल कोफिशिएंट्स भी जीरो ही रहेंगे हाँ कह सकते हो बिकॉज़ नेगलिजिबल ही जाएगा ना वो यार यस फुल ऑन नेगलिजिबल जाएगा और कह ही सकते हो नहीं पीसफुल है ओके गाइस आगे चलें यस ओके सुनो अभी इसको सॉल्व करते हैं राइट तुम लोगों ने क्या सॉल्व किया इसको सबसे पहले इसको वेरियल इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया होगा यहाँ पे लिखा होगा p प्लस ए टी बाय टी वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर बाय आर टी बाय वी माइनस बी ये लिखा सबसे पहले Yes, sir. फिर v कॉमन लेकर 1 माइनस बी वी कर दिया डिनोमिनेटर इसको तुम आर टी बाय वी 1 माइनस बी बाय वी लिख सकते हो और इसको तुम आर टी बाय वी इंटू 1 माइनस बी बाय वी की पावर माइनस 1 लिख सकते हो एग्रीड सबको एक ही बारी में कर दिया जितना yes, भी sir. करना हमने यह किया आर टी से डिवाइड कर दिया v से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा पी वी बाय आर टी प्लस ए बाय आर टी स्क्वायर वी आर वी आर टी स्क्वायर वी करेक्ट यस सर इज इक्वल टू वन माइनस बी बाय वी का पावर वन माइनस वन तो वी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को आर टी से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये आ गया करेक्ट यस सर अच्छा एक बार बताओ एक्सपेंशन क्या होता है इसका इज इक्वल टू वन प्लस बी बाय वी प्लस बी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर बी क्यूब बाय वी क्यूब सो ऑन राइट इसको इधर लेके चले गए तो मेरे पास आ गया पी वी बाय आर टी दैट इज इक्वल टू जेड वन प्लस बी माइनस ए बाय आर टी स्क्वायर उसको ए लेट प्लस बी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय वी क्यूब राइट एक बार बताओ ये तुम्हारा फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट है ये सेकंड है ये थर्ड है ये फोर्थ है या एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू टी बी तो सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट होता है वो क्या हो जाता है जीरो तो बी माइनस ए बाय आर टी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा टी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय आर बी
और टी भी आ जाएगा तुम्हारे पास ए अंडर रूट ऑफ ए बाय आर बी। अंडरस्टूड? सर ऊपर लो ना। हाँ सर। हाँ बेटा बोलना सर। वो जो आर होता है वो वही वाला होता है ना? हाँ वही वाला होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। हाँ ठीक है, तो वही वाला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। हाँ सर, थैंक यू सर। लिख लिया? यस। ओके आगे चलें गाइस। आगे चलें। यस यस। अच्छा एक बात बताओ, एक और क्वेश्चन है ठीक है। तीन गैसेस हैं ए बी सी, इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है लेट्स से 100 केल्विन है, 200 केल्विन है और 300 केल्विन है। तो चक्कर क्या है, वो पूछ रहा है कि इसके अंदर ए वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी। कंपैरिजन पूछ रहा है ए बी सी में ए वैल्यू किसकी ज्यादा होगी। सर ए की। वेरी गुड वेरी गुड। और यार एक बात बताओ, एक गैस है जिसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, है ना बेटा? अगर एक गैस ए है उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है तो तुम क्या करोगे, टेम्परेचर कम करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कम होगी टेम्परेचर थोड़ा कम करने पे, और थोड़ा कम करोगे और काइनेटिक एनर्जी कम होगी और अट्रैक्शन बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम करोगे और अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो मुझे टेम्परेचर ज्यादा कम करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? सर कम करना पड़ेगा। हाँ एक बार बताओ, अगर 500 केल्विन से मैंने इसको 300 केल्विन तक लेके आया तब अट्रैक्शन इतने बढ़ गए कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो ये बिकम लिक्विड एट 300 केल्विन। दूसरी गैस है लाइक हीलियम जिसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम है। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम है, 500 केल्विन पे थे तो 400 पे लेके आए कुछ नहीं हुआ, अगेन अट्रैक्शन कम है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा। 300 पे लेके आए तो अगेन अट्रैक्शन कम है, तो मुझे इसका टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। मतलब अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है तो मुझे और ज्यादा कम टेम्परेचर करना पड़ेगा ताकि वो उनके अंदर अट्रैक्शन इतने बढ़ जाए वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, राइट? यस सर। अगर ऑलरेडी ज्यादा है तो क्या टेम्परेचर ज्यादा कम करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा कम नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ बदतमीज, 300 केल्विन एक हायर टेम्परेचर पे सी लिक्विड बन रहा है,
उससे थोड़े कम टेम्परेचर पे बी लिक्विड बन रहा है, उसके बाद एक तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे लिक्विड बन रहा है, तो मतलब कौन से पार्टिकल को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? सी, सी के पार्टिकल्स। तो सी की वैल्यू, सी का ए वैल्यू बी से ज्यादा है, बी का ए वैल्यू ए से ज्यादा है, इतना समझ में आया? हाँ यस सर। बी वैल्यू कांस्टेंट है क्या सर? अरे बेटा जो मेजरली क्रिटिकल टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, मुझे पता है क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वल टू 8A/27RB, मुझे पता है बी वैल्यू भी करता है, बट ए की वैल्यू ज्यादा होती है कि बी की वैल्यू ज्यादा होती है कंपैरिजन? ए की वैल्यू, ए ज्यादा अफेक्ट करता है क्रिटिकल टेम्परेचर को। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो क्रिटिकल टेम्परेचर बट ज्यादा ही होना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ ना ये चीज, ग्रेटर द क्रिटिकल टेम्परेचर greater will be the attraction. Getting a point? I can write this, right? Yes, sir. Lick low. सर हाँ बेटा, सब बी वैल्यू अफेक्ट क्यों नहीं होगा, मतलब करेगा? बेटा ए की वैल्यू बी से बहुत ज्यादा हाई होती है, हमने पहले लास्ट क्लास में भी किया था, जितना ज्यादा ए वैल्यू रहेगा उतना अट्रैक्शन रहेगा, कॉमन सेंस कहती है। हाँ सर, जितना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा? टीसी। हाँ उतना ज्यादा टीसी होगा, गेटिंग इट, उतना इजीली वो लिक्विफाई होगा। Done? Yes. Good. Basically, इतना हो गया, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करें गाइस। Yes. Listen, like can you see that question? That is Andrew Thomas curve, which we have devised. Yes, sir. Yes, sir. I'll just start solving it. Done, guys. Hey, पहले का बताओ जरा आंसर क्या होगा? हेलो सीरियसली हेलो सर सर हाँ 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 सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, अब क्या कर रहे थे हम लोग? ये कर रहे थे पैसेज फोर को सॉल्व करना अपने को। अच्छा दिख रहा है पैसेज फोर? अच्छा दिख रहा है। हाँ 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 मस्त। आर ना थिंक अगेन बेटा, जहाँ पे पहला डेविएशन आता है उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। 31.1 डिग्री सेल्सियस। 0.1 तो क्या आएगा इसके अंदर? चलो ऐसे यहाँ पे पहला डेविएशन आया, करे हल्का सा डेविएशन पहले आया, यहाँ पे तो लिक्विड बन ही रहा है, यहाँ पे भी लिक्विड बन ही रहा है, तो डेविएशन पहला यहाँ पे आया ना, तो क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है सर? देखिए 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस में भी तो बहुत बड़ा डिविएशन है। किसके बीच में?
नहीं मतलब ये ग्राफ तो चेंज हो रहा है ना दूसरे. हाँ बेटा यहाँ लिक्विड बन रहा है, यहाँ लिक्विड फ्लैट हो रहा है ना बीच में, टेम्परेचर जहाँ पे जस्ट लिक्विड बना राइट क्वेश्चन नंबर टू बहुत सिंपल है, बताओ जरा. नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है? जेड की वैल्यू किससे कम? वैल्यू अरे यस सर, किससे कम होना? वन से सर. वन से कम होना. अगर क्या चीज डिसाइड करती है जेड की वैल्यू वन से कम होने पे? अट्रैक्शन. और अट्रैक्शन कोफिशिएंट ए. हाँ तो अगर कोफिशिएंट ए डिसाइड करता है सब कुछ राइट right? तो सर तो डी होएगा. हाँ तो डी होगा सर. जो मतलब ऊपर जो 31 करेक्ट है अगर, तो रूम टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड होता है थोड़ा. बेटा प्रेशर तो अप्लाई करना पड़ेगा ना, क्रिटिकल प्रेशर. क्रिटिकल प्रेशर दोनों साइमल्टेनियसली चाहिए, दोनों होने चाहिए ना, तब जाके बनेगा ना. और एक बात बताओ, तुम्हारे आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज मच लेसर देन 1% राइट? नहीं कर पाएगा अट्रैक्शन वाले. अच्छा समझ में आया इतना सर? सेकंड वन ने समझा. मेरा सेकंड वन ये है कि अच्छा मुझे बताओ ए बी सी डी के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके अंदर ज्यादा होंगे? 40.5 वाले में. हाँ तो डी का होगा ना अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा. बेटा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ वैन डर वाल गैस एट इट्स क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा? आदित्य सोच के ये आरना इसका आंसर चाहिए. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ वैन डर वाल गैस एट इट्स क्रिटिकल पॉइंट. एक बार बताओ क्रिटिकल पॉइंट पे पीवी बाय एनआरटी इज इक्वल टू जेड होता है ना? अरे हाँ yes, हाँ अगर वन होगा ना पीसी इनटू वीसी करो ना कितना आएगा? एट क्रिटिकल टेम्परेचर ये पीसी हो जाएगा, वीसी हो जाएगा, टीसी हो जाएगा राइट? यस सर. आप अगर इतना तुमको पता है तो डालोगे तो पता लग जाएगा ना क्या क्या है. अच्छा n इज इक्वल टू 1 ले लो बिकॉज़ एक मोल के लिए p बाय rt उठा लो तो pc कितना हो जाएगा? a बाय 27 b स्क्वायर. vc हो जाएगा 3b डिवाइड बाय r आ जाएगा. tc हो जाएगा 8a बाय 27 rb राइट इनटू हाँ R से R गया ये तुम्हारा Z है. R से R गया, A से A गया, B से B गया, 27 से 27 गया तो 3/8 आया Z है कि नहीं? सर बट क्रिटिकल पॉइंट पे तो गैस आइडियली बिहेव करेगी तो उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होना चाहिए. क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं बेटा, वो बॉयस पॉइंट पे बिहेव करती है. अरे हाँ कर लो मचा लो गन जितना मचाना. अच्छा समझा. हाँ लिख लिया गाइस 3/8 आता. ओके एक काम करो
लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो, देन वी विल मूव है, ठीक है? दिस वन मैच सर, पहला वाला तो हार होगा। ओके, पहला वाला हार होगा सर, डी वाला पी होगा। हाँ, डी वाला पी होगा। एक मिनट तुम करो, मैं बताता हूँ। सर बी का, सर बी वाला एस होगा। हाँ, बी वाला है सो। अब एक बात बताओ, सर बी वाला क्यों होगा या ऐसा होगा? क्यों होगा? बेटा लो प्रेशर पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है ना, जेड इज इक्वल टू वन माइनस आर टी बाय टू आता है। हाँ, ये याद है सर। हाँ, उठा ले लिया, ए बाय आर टी भी आता है। हाँ सर, तो आइडियल गैस का तो वन होगा, राइट? ओके, आइडियल गैस का वन होता है, लो प्रेशर में वन से कम रहेगा ए बाय आर टी भी, हाई प्रेशर में एक से ज्यादा रहता है। हाँ सर, और क्रिटिकल टेम्परेचर में अभी किया हम लोगों ने, राइट? यस सर। आई गेस समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। और बताओ, और गैसीय स्टेट गॉट ओवर सर, आपका सर सी का क्या था? क्या करोगे सर? सी का क्या था? का क्यू है सी का बेटा, हाई प्रेशर पे 1 + V / RT निकलवाया था सर। Z = 1 + P / RT एक से ज्यादा होता है, जितना V वैल्यू ज्यादा रहेगा उतना Z की वैल्यू 1 से ज्यादा रहती है, बताया था? Yes, sir. Yeah. ठीक है, चलो रियल गैस ओवर, ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पीडीएफ व्हिच आई हैव सेंट यू, राइट? नेक्स्ट हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रियल गैस के, उसके बाद वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, ठीक है? बेटा बता दो चैप्टर करना, बट अभी इतना खत्म कर दो, है ना सर? हाँ सर, एक बार ये पीडीएफ फिर से सेंड करोगे पेन वाले ग्रुप में? मतलब नाइट तक कर देता हूँ, है ना? ओके सर, पिछला ग्रुप डिलीट हो गया ना? हाँ समझ गया मैं भिजवा देता हूँ, है ना? चलो वील वाइंड अप नाउ, टेक ब्रेक, है ना? बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय, थैंक यू सर, बाय, टेक केयर।